सर इस वीडियो को ना एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द लोगों की ये स्टोरी ना सिमिलर होगी। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो मेरे स्कूल में एक कोचिंग सेंटर के हेड आए थे, HOD आए थे, एंड उन्होंने जाके बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया कि IIT में इतने लोगों का सिलेक्शन होता है एंड इतने लोगों को 1 करोड़ से ऊपर पैकेज मिलता है, एंड फिर स्टार्स लिखना शुरू कर दिया एंड एक तरीके से मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। वो उन्होंने किया इसलिए था ताकि इनकी कोचिंग ज्वाइन कर ले, बट द मेन थिंग वाज व्हिच आई गॉट आउट ऑफ इट कि यार IIT कर ले, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, तो भाई मजे ही आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे अपने जीवन में। सो लग गए हम भी रेस में, 11th में कोचिंग ज्वाइन करी, 11th 12th में लगे रहे, बट रियलाइज कर लिया कि शायद IIT में कंप्यूटर साइंस मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। सो अपना जो पूरा ट्रैक था वो चेंज करके JEE मेंस पे फोकस करना शुरू किया एंड NSIIT DTU को टारगेट बनाया एंड वहाँ पे अपनी 100% मेहनत स्टार्ट कर दी। सो आई वाज एबल टू क्रैक JEE, आई वाज एबल टू गेट इनटू NSIIT, आई गॉट कंप्यूटर साइंस एंड जो मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था आई वाज एबल टू डू दैट। सो अब एक पूरी स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ कि इज कोडिंग द न्यू JEE। अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार सब लोगों ने कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए, सब लोगों ने ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर दिए, सब कोडिंग पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लोग अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के कोडिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं, मेरे को भी लोग पूछ ही रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कब छोड़ रहे हो। सो काफ़ी डिटेल में चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ स्टार्ट्स के साथ बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम निशांत चाहर, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई ऑल्सो हैव कोर्सेज, I also teach people, I also mentor people to get into good companies and like start earning when they are early in their career or if they want to transition from a service-based company to a product-based company. So you can check out algoprep.in for that and for more information. But उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी मेन हम बात करते हैं कि इज कोडिंग द न्यू JEE, कि एक्चुअली JEE बनता जा रहा कोडिंग, सब उसी रैट रेस में लगे हुए हैं एंड ऐसे लगे भी हुए हैं तो क्यों लगे हुए हैं। सो बिना किसी और डिले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो, लेट्स हिट 5000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो एंड सिमिलर टॉपिक्स पे या फिर और अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोज आती रहेंगी, काफी रिसर्च करिए इस पर। सो या एक अप्रिसिएशन लाइक जरूर कर देना। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाई डू वी आइडियलाइज IITians, ठीक है, सब यही सोचते हैं ना। IITians कोई अगर बोल देता है कि मैं IIT से हूँ तो अपने आप एक रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है दिमाग में, राइट, कि यार इसने तो बहुत क्रेजी एग्जाम फोड़ा हुआ है तो स्मार्ट तो हो गई, एक एक वो बेंचमार्क सेट हो जाता है कि यार ये स्मार्ट तो है ही। अब इसमें एक चीज़ आपको मिल जाती है कि यार फास्ट सक्सेस मिल रही है, यू आर 17-18 ईयर्स ऑफ एज एंड आपने अपना स्कूल जस्ट ग्रेजुएट किया, स्कूल से निकलते आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपको एक अच्छा पेयर ग्रुप मिल गया एंड वहाँ से निकल के आपको दिख रहा है कि एवरेज पैकेज जो लगेगा वो 21-22 लाख का तो लगेगा ही। सोशल वैलिडेशन मिल जाती है, आपको सोशल वैलिडेशन मिल जाती है, आपके पेरेंट्स को सोशल वैलिडेशन मिल जाती है एंड आपके पेरेंट्स अपने आसपास नेबर्स को या रिलेटिव्स को सबको बोल सकते हैं कि भाई मेरा बेटा तो IIT में पढ़ रहा है, मेरी बेटी तो IIT में पढ़ रही है, तो एक वो डायरेक्टली सोशल वैलिडेशन मिल जाता है। जो रिलेटिव आपको पूछते भी नहीं थे वो आपको रिस्पेक्ट से देखने लग जाते हैं, जो आसपास वाले लोग आपको लाइक बात भी नहीं करते थे वो अब सब आपसे बात करना चाहते हैं, सब आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। सो फास्टेस्ट सक्सेस क्राइटेरिया है JEE नीट ना, फास्टेस्ट सक्सेस क्राइटेरिया है कि यार इस बंदे ने तो कुछ कर दिया। सो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं IITians को एंड इसके साथ साथ पीपल आर रियली स्मार्ट हु क्रैक IIT, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इफ दे आर नॉट स्मार्ट बट दे आर रियली 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 हार्ड वर्किंग, दिन के 10 घंटे पढ़ना कोई मजाक तो नहीं होता है, ठीक है, एंड वो भी कंसिस्टेंटली 2 साल के लिए। सो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, जो जो चीज़ें हम बोलते हैं ना यार कॉलेज में जाने के बाद या कॉलेज खत्म होने के बाद कि यार ये कर लोगे तो तुम कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लोगे, जितने अभी मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो वो सब वो करके आए हुए होते हैं, उन्होंने उस सबके थ्रू निकले हुए होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं। सो दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दैट्स व्हाई दे हैव क्रैक्ड इट। इस वजह से सोशल वैलिडेशन एंड सोशल स्टेटस एक तरीके से बढ़ जाता है एंड इसलिए IITians को या फिर IIT को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। दूसरी चीज़ आती है, या तो सोशल वैलिडेशन क्यों मिल रही है, पैसे। अब अगर आप IIT ज्वाइन कर रहे हो तो शॉर्ट आपको ये पता होता है कि यार अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं एवरेज पैकेज तो निकाल ही लूंगा ना, अगर मैंने ज्यादा मेहनत करी तो उससे ज्यादा निकालूंगा। IIT बॉम्बे का एवरेज पैकेज 21 लाख रुपए, IIT दिल्ली का एवरेज पैकेज 17 लाख रुपए है, ये एवरेज की बात हो रही है, इसमें सारी ब्रांचेस इंक्लूडेड है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, और कंप्यूटर साइंस में जाओगे ना तो एवरेज पैकेज 30-35 लाख तक चला जाता है। IIT बॉम्बे का 2023 का हाईएस्ट पैकेज 3.67 करोड़, ठीक है, 3.67 करोड़, IIT दिल्ली का इज 2.6 करोड़। सो ये जो नंबर्स है ना ये अपने आपको जस्टिफाई कर देते हैं कि जो तुमने 2 साल मेहनत करी या फिर कॉलेज में जाके मेहनत करी ना वो अपने आप ही हो गई सक्सेस, राइट। सो इससे एक सोशल वैलिडेशन मिल जाती है, इससे तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ यार
बंदे ने मेहनत करी है, तो इसलिए जब भी तुम IITN वाला टैग देखते हो ना, तुम अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में रिस्पेक्ट आ जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई डू वी आइडियलाइज IITians, राइट। अब सेकंड चीज आ जाती है कि सारे IITians सक्सेसफुल होते हैं, कि जितने भी अगर 10,000 20,000 IITians हैं हर साल जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या ऑल ऑफ देम आर गेटिंग दैट 1 crore का पैकेज, या ऑल ऑफ देम आर अर्निंग इन करोड़? नहीं ना। अगर ये एवरेज 21 तक आ रहा है एंड हाईएस्ट 3.67 जा रहा है, सो दैट मींस देयर आर पीपल हु आर स्टिल गेटिंग प्लेस्ड एट 5-6 LPA, एंड दैट्स ट्रू। IITs में जाके लोग कई बार उस प्रेशर से कोप अप नहीं कर पाते हैं। जो करोड़ वाले पैकेजेस होते हैं ना, वो सिंगल डिजिट में होते हैं, 10 बच्चे, 5 बच्चे, 12 बच्चे आपके पूरे बैच में से। अगर 1,000 का बैच है तो उसमें से सिर्फ 5 या 10 बच्चों का ये वाला पैकेज लग रहा होता है, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल। अगर आप उनको किसी और कंडीशन में भी रख देते ना, किसी और कॉलेज में भी रख देते ना, तो भी वो निकाल लेते किसी ना किसी तरीके से। सिमिलर चीज इफ नॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर जॉब, 2-3 साल बाद वो सेम लेवल पे पहुंच ही जाते, बिकॉज दे नो हाउ टू पुट इन हार्ड वर्क, दे नो हाउ टू पुट इन एफर्ट्स, एंड उनको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी आती है। टोटल IIT बॉम्बे में ना 1895 लोगों ने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर किया था, 1563 लोगों का 16 LPA से ज्यादा का पैकेज लगा है। देख रहे हो, ये डायरेक्टली 1/4 तुम्हारा हो जाता है जिनका 1600 पर का पैकेज लगा है। But 3/4 ऑफ द पीपल either they have not got placed yet or they have package less than 16 LPA. इसे तुम्हें एक बात और समझ आ जाती है कि जो वो 50 लाख वाले से ऊपर वाले पैकेजेस हैं, वो मुश्किल से 50 लोगों के लग रहे होंगे पूरे कैंपस में, एंड ये IIT बॉम्बे की स्टार्ट है। IIT दिल्ली जाओगे, फिर और IIT जाओगे ना, तो ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और ज्यादा होगा, बिकॉज दीज आर द पीपल जो टॉप 10, 20, 50 रैंक पे जाके कंप्यूटर साइंस ले रहे होते हैं IIT बॉम्बे में। अब IIT ज्वाइन करने के बाद ना यार, एक फियर ऑफ नॉन लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस वाली चीज भी तुम्हारे अंदर आ जाती है। जब तुमने इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया हो, तुम अपने आसपास देख रहे हो कि सभी स्मार्ट लोग हैं, तो वो एक अंदर से डर आ जाता है कि यार अगर मैंने अब यहाँ पे आके परफॉर्म नहीं किया तो क्या करूँगा। एंड उस चक्कर में लोग ना मेहनत करना छोड़ देते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो सबसे बेवकूफ़ हूँ इस पूरे कॉलेज में, एंड मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट्स नॉट राइट, बट होता है कई बारी। एंड IIT में भी जाके लोगों के 6 लाख के पैकेज लग रहे होते हैं, IIT में जाके लोगों के 12 लाख के पैकेज लग रहे होते हैं, जो एक नॉर्मल Tier 2, Tier 3 कॉलेज में भी मिल जाते हैं। सो इट्स नॉट कि अगर तुम IIT चले जाओगे तो तुम शॉर्ट सक्सेसफुल हो जाओगे। अब सक्सेस का क्राइटेरिया सबके लिए अलग हो सकता है, बट इंडिया में जनरली जो सक्सेस का क्राइटेरिया होता है कि तुम 1 lakh rupees से ऊपर महीने के कमा रहे हो, सो यू आर समवॉट सक्सेसफुल एट एज 21। अब वाई इज एवरीवन लर्निंग कोडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सब लोगों को तुम देखोगे यार, सबको DSA पढ़ना है, सबको वेब डेवलपमेंट करना है, सबको कोडिंग पढ़ के अच्छी कंपनी क्रैक करनी है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड सक्सेस क्राइटेरिया हो जाता है आपकी लाइफ का। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पेरेंट्स जो होंगे वो अपने आसपास नेबर्स को बताएंगे या फिर अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, तो एक वही सोशल वैलिडेशन फिर से मिल जाती है, जो सारे IIT के टाइम पे मैट्रिक थे वो सारे चेकबॉक्स में आ जाते हैं कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज हुआ नहीं हुआ, इसने वही चीज़ कर ली, अगर IIT में जाके होता है या होती तो वो कर लेता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक एंड XYZ, ऑल द कंपनीज दैट आर पेइंग मोर देन 25-30 lakh rupees एट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन, राइट, जो एंट्री लेवल जॉब होती है। इसलिए सबको कोडिंग सीखनी है, ये एक रीजन है, चाहे वो वहाँ पे भी सक्सेस क्राइटेरिया 1%, 2%, 3% हो, बट एटलीस्ट एवरीवन इज एस्पिरेशनल, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट देयर, क्योंकि वो फर्स्ट वाला जो स्टेज था उसमें दे वर नॉट एबल टू मेक इट ड्यू टू XYZ reasons, बट दिस इज अनदर चांस फॉर देम टू गेट दैट सोशल वैलिडेशन, टू गेट दैट सोशल रिस्पेक्ट अगेन। एंड कोडिंग इज समथिंग विच एनीवन एंड एवरीवन कैन लर्न। पीपल एट द एज ऑफ 35-40 आर लर्निंग हाउ टू कोड एंड दे आर गेटिंग प्लेस एट गुड कंपनीज। सो यहाँ पे जो तुम्हारा वो वाला क्राइटेरिया होता है ना कि यार तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कम हो जाता है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, एंड यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक लेवल लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बट अगर तुम्हें ये सब आता है ना, तुम आराम से कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इसलिए कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हाई है। कॉम्पिटिशन टू गेट इन टू दीज कंपनीज इज रियली वेरी हाई। लोगों को 5-5, 6-6 rounds ऑफ इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, देन दे गेट इन टू दीज कंपनीज, एंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ईजी नहीं होते, हर स्टेप पे तुम्हें चेक किया जाता है। सो इसलिए पीपल आर क्रेजी अबाउट दीज कंपनीज नाउ, एंड इट्स वैलिड। लाइक सेम जो IIT में होता है, सेम जो नीट में होता है, सेम जो MBA के लिए CAT में होता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, राइट। एंड everyone इज फाइटिंग फॉर दैट सेम सोशल स्टेटस। सो आई डोंट थिंक देर इज अ प्रॉब्लम इफ पीपल आर गेटिंग वट दे वॉन्ट। कोडिंग सीखनी चाहिए एंड अच्छी चीज़ है, आराम से कर सकते हो, एंड देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देर। इंडिया में ये चीज़ बूम करने लग गई है लास्ट 4-5 सालों से, एंड दोज हु स्टार्टेड लाइक 10 years बैक आर अर्निंग क्रेजी राइट नाउ, राइट। अब कंपनीज में जो आप 10 years 15 years एक्सपीरियंस मैनेजर्स को देखते हो या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हो, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखते हो, उनका नंबर बहुत कम है, क्योंकि उस टाइम पे कोई करता ही नहीं था, उस टाइम पे किसी को आइडिया ही नहीं था कि यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सो
कोडिंग सीखो, अगर अभी भी नहीं सीख रहे हो तो जल्दी सीखना स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट एक आ जाता है कि यार जितने भी लोग फैंगम ज्वाइन करते हैं वो सब जाके यूट्यूबर बन जाते हैं, वो सब जाके अपने कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो सब जाके इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। ये वही चीज़ हो गई जनरलाइज करने वाली कि अगर आपने IIT क्रैक किया है तो आप फिटजी में जाके या फिर आलन में जाके या फिर रेजोनेंस में जाके टीचर बन जाओगे। द नंबर इज वेरी 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 स्मॉल, राइट। अब वो सोशल मीडिया पे है इसलिए आप लोगों को दिखता है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया इन माइक्रोसॉफ्ट आर 20,000, इसमें से अराउंड 50-60% आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सिमिलर इज द केस विद गूगल। गूगल में इंडिया में एम्प्लॉय का जो काउंट है वो अराउंड 10,000 प्लस है, इसमें से 5-6,000 जो एम्प्लॉयज हैं दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो जो नंबर है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। अब सिमिलरली अगर ये तो आपका मैं इंडिया के स्टार्ट्स बता रहा हूँ, ग्लोबली अगर आप चेक करोगे तो 2.5 लाख से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉयज हैं टोटल, एंड आपके गूगल में अराउंड 174K, दैट इज 1.74 लाख आपके एम्प्लॉयज है। सो जो यार नंबर है ना ये बहुत बड़ा है। अब आप यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे जाके सर्च करोगे डे इन द लाइफ ऑफ XYZ इंजीनियर, कितनी वीडियोज मिल जाएंगी, 10, 15, 20, 25। चल द नंबर इज वेरी लेस, 6,000 इसे डिवाइड करके देखो यार, टोटल 25,000 एम्प्लॉयज जस्ट इन दोनों कंपनीज में। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनमें लोग हैं विच हु ऑल्सो मेक कॉन्टेंट। सो जो नंबर निकल के आएगा ना वो लेस देन 5% आएगा, 5% भी नहीं आएगा, लेस देन 1% जाके आएगा। एंड इतने कम नंबर पे आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि यार जो भी आता है यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू करता है, अपने कोर्स बेचने लग जाता है, इंस्ट्रक्टर बन जाता है। एंड आसान नहीं है यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, उठा के बैठ के एक बार कैमरा पे बोल के देखो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट ईजी। प्लस यहाँ पे भी सेम सक्सेस क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी आपको सोशल वैलिडेशन मिल रही होती है, यहाँ पे पीपल रिकोगनाइज यू व्हेन यू गो आउट, यू गेट दैट डोपामिन हिट के यार इसने मेरे को पहचान लिया, मजा ही आ गया। सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज फाइटिंग फॉर दैट सोशल वैलिडेशन कि यार मेरे को तो लोग पहचानते हैं तो मैंने तो जिंदगी में फोड़ दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है व्हेन पीपल लीव देयर जॉब एंड दे से कि यार मेरा तो पैशन था, मेरे को तो पढ़ाने में मजा ही आ जाता था इसलिए मैंने जॉब छोड़ी है। यहाँ पे फिर वो वाला मैथ्स शुरू हो जाता है कि इफ़ यू सेल कोर्सेज टू 10,000 पीपल एंड यू आर सेलिंग अ कोर्स एट 4,000 रुपीज देन यू आर अर्निंग 4 करोड़ रुपीज इन अ ईयर। ये मैथ ना बहुत हद तक सही नहीं है। अब क्या कोर्सेज सेल करना या फिर अपनी जॉब छोड़ना ये सब गलत बात है? नहीं, नहीं है गलत बात। सो एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी, दैट्स क्लियर, राइट। ये हमने स्कूल के टाइम में ही सीख लिया था कि जो भी हम कर रहे होते हैं उसका एक एंड गोल मोटिवेशन पैसा होता है। Until and unless you are really, really, really passionate about engineering, you are really passionate about XYZ, you work for money. And that's the case for 99% of the people. Only 1% of the people are really motivated to work or learn something new or do what they are doing, right? उसके अलावा 99% लोगों को काम करना पैसे के लिए होता है। If someone is able to do that, if they have put an effort to gain audience on any social media platform, if they think that path is better for them, then there is no harm in leaving their job and starting their own thing. Because at the end of the day, if you don't do your own thing, then you are just a smaller part of a bigger puzzle, right? तुम छोटे से एक part बन के रह जाओगे and it's not bad. लोगों को वो भी सही लगता है क्योंकि आपके सारे जो गोल्स हैं वो सैटिस्फाई हो रहे हैं। सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम इन दैट, अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो करो। बट दिस इज ऑल्सो अ पाथ टू सक्सेस, दिस इज ऑल्सो अ पाथ टू अ हैप्पी लाइफ। एंड इफ समवन वांट्स टू लीव देयर जॉब, समवन वांट्स टू गेट आउट ऑफ 9 to 5 एंड डू देयर ओन थिंग, जस्ट अप्रिशिएट देम। और इफ यू डोंट, इफ यू कांट अप्रिशिएट देम, जस्ट डोंट से एनीथिंग, राइट। अपना पॉइंट है अपने पास रखो एंड सबको बताने की जरूरत नहीं है। बट द रॉन्ग थिंग इज कि ये बोलना कि यार मेरा तो पैशन था, मेरे को मैंने जॉब इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जॉब छोड़ी है ताकि मैं आप लोगों को XYZ कुछ भी करा सकूँ, ये सकूँ वो सकूँ कि मैं रेवोल्यूशन ले आऊँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब सही नहीं है। उनका एंड गोल वही है कि उनको पैसे कमाने हैं। दे थॉट कि दे हैव बिल्ट एन ऑडियंस एंड इफ दे कैन प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल, यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ पॉइंट इफ यू डोंट प्रोवाइड वैल्यू टू योर कस्टमर्स, to your subscribers, to XYZ, anyone, no one is gonna stay with you. क्योंकि वहाँ मार्केट में हज़ारों ऑप्शन हैं, वो आपके पास क्यों रहेंगे अगर आप वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो वो एक बार के लिए हो सकता है कि आपके ट्रस्ट फैक्टर की वजह से कोई आपका कोर्स बाय कर ले या फिर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे या कुछ भी कर दे, बट आफ्टर अ पॉइंट नो वन इज गोना डू दैट। अब जो मैथ्स ऑफ सेलिंग कोर्सेज है ना, अब आप बोलोगे कि कोई एक बंदा है जिसके 100K सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, उसने अगर कोर्स निकाला फॉर एग्जाम्पल 4,000 का, तो 10% लोग कोर्स ले लेंगे, 10% इज 10,000 पीपल, 10,000 कोर्स ले लेंगे, 4,000 कोर्स लेंगे, एक साल में 4 करोड़ रुपए कमा लेगा। आपको ऐसा लगता है ऐसा एक्चुअली होता है? ऐसा एक्चुअली नहीं होता है।
सेलिंग एनीथिंग इज रियली डिफिकल्ट एंड दैट्स अ स्किल, एंड वो स्किल ना मेहनत के साथ ट्राई करके एक्वायर की जाती है. आप बस बोलोगे ना तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा. यू विल हैव टू प्रोवाइड वैल्यू, यू विल हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग, एंड इवन आफ्टर ऑल दिस अगर कोई ये चीज बाय कर लेता है, यू विल हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. अगर आपने इतने हाई प्रोमिसेस करे हैं, अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहे हो, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है. वो अपने 10 दोस्तों को बताएगा, वो 10 उसके 10 दोस्तों को बताएंगे, एंड दैट विल ग्रो लाइक फायर. एंड नेक्स्ट बार ये सेम चीज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड जो कन्वर्जन रेशियो होता है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम होता है. इट्स 0.1%, 0.02%, ये ना अंडर 1% वाली रेंज में आता है, जो आप सब्सक्राइबर्स टू कोर्सेज वाला जो आप रेशियो देख रहे होते हो. ये 10% 20% तक तो पहुंचने में पता नहीं जमाने ही लग जाते हैं लोगों को. अगर आप ये 2 मिलियन के चैनल देख रहे हो ना, 2 मिलियन के चैनल भी वो 1% भी नहीं, 0.1% कन्वर्जन रेट ही रहता है. सो ये जो आप मैथ्स लगा रहे होते ना कमेंट सेक्शन में कि अगर 1000 बच्चे भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो 1000 बच्चों को पढ़ाना, 1000 बच्चों को 6 महीने तक कंटिन्यूअसली क्लासेस देना, उनको सारी चीज़ें समझाना इज़ नॉट ईजी. ये वन टाइम चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा फ्रॉड वाला कोई बेच दिए चीज़ और फिर चले गए और आपके पास पैसे आ गए ख़त्म. आपको कंटिन्यूअसली 6 महीने एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप कोई कोर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो. सो ये वही है, मेहनत जितनी आप करोगे उतना आपको फल मिलेगा. And it's not bad to sell courses. I also do that. I'm not against of it at all. अगर क्योंकि अभी हमने algo meet करवाई थी, we had our first meetup. We met around 15 people there because it was only for algo prep students and दो हैदराबाद में थे. वहाँ पे उन्होंने बताया कि how we have helped them and कैसे उनको पढ़ने में जो चीज़ें पहले समझ नहीं आ रही थी, they were able to grab those things very easily. And यहीं से समझ आती है value. ठीक है, अगर वो अपने जीवन में जाके कुछ अच्छा करेंगे, सो दे विल ऑलवेज रिमेंबर कि यार निशांत भैया ने बताया था या निशांत ने बताया था, आज मज़ा आ गया. सो वो वैलिडेशन बहुत अच्छी होती है कि कोई आपको सड़क पे चलता हुआ दिख रहा है, वो आपको बोल रहा है कि यार आपकी वो वाली वीडियो देखी थी, आपका एक कोर्स लिया था, उसके बाद मेरी ना यहाँ प्लेसमेंट लग गई, अब मेरे घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है. सो वो अलग से ना स्माइल आती है ना फेस पे, मैं बता नहीं सकता. सो लोग पूछते हैं ना कॉन्टेंट क्यों बनाते हो, यही रीज़न है. तो या दिस वॉज इट. आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया है. एंड कोडिंग इज नॉट द न्यू JEE ऑनेस्टली. ठीक है, अभी भी जो परसेंटेज ऑफ पीपल प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग जॉब्स इज वेरी लेस, पीपल हु डोंट हैव अवेयरनेस इज वेरी लेस, पीपल डोंट नो वट टू प्रिपेयर इवन आफ्टर सो मच कॉन्टेंट ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड लोग अभी भी सही चीज़ें करते ही नहीं हैं, लोग अभी भी DSA नहीं कर रहे हैं. जब लोगों को पता है कि 90% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन इंडिया आस्क DSA, वो रिमोट जॉब वाला, वेब डेवलपमेंट वाला बहुत बहुत छोटा नंबर है अभी. जब तक वो 50-50 नहीं पहुंचता ना, जब तक इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं ना वो, जब तक उस चीज़ पे 100% फोकस करना इज़ नॉट राइट. 80-20, 70-30 करो. डेवलपमेंट एंड DSA साथ साथ करना पड़ता है. यू नीड प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे, यू नीड टू हैव बेसिक डेवलपमेंट स्किल्स, बट DSA इंपॉर्टेंट है. एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको अभी नहीं तो 6 महीने बाद समझ आएगा जब आप XYZ डेवलपमेंट कोर्सेज कर लोगे एंड यू विल बी लाइक यार क्वेश्चन तो मेरे से अभी भी DSA की पूछे जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ. सो या डू प्रिपेयर DSA. कोर्स लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है. लीड कोड पर जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, डिस्कशन पढ़ो एंड अच्छे से मेहनत करते रहो. यू विल ऑल्सो अचीव वट यू वॉन्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ जो मैंने बताया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टार्ट मैंने गूगल से निकाले हैं सारे. एंड या डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक डिट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए.